गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि टच टाइपिंग ट्यूटर क्या होता है और टच टाइपिंग ट्यूटर के क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे कि हमें पता है, ये भी आपके सामने रिटन भी हैं, टच टाइपिंग ट्यूटर जो है एक मेथड है टाइपिंग सीखने का, बिल्कुल भी कंप्यूटर की कीज़ को बिना देखे। कंप्यूटर की कीज़ को बिना देखे हम तेज़ी से क्या कर सके, अपना टाइप कर सके। तो इसी को सीखने को हम टच टाइपिंग ट्यूटर बोलते हैं। तो टच टाइपिंग ट्यूटर में, जैसे कि मैंने बताया कि टच टाइपिंग ट्यूटर एक सॉफ्टवेयर होता है। अब टच टाइपिंग ट्यूटर का एक सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। और रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या होता है? रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम कीबोर्ड की तरफ बिना देखे टाइपिंग करना सीखते हैं। ठीक है, तो टच टाइपिंग जब हम शुरू करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें सबसे ऊपर टाइटल बार होती है जिसमें रैपिड टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके वर्जन वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक बार होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि हम कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मतलब जो हमारा बेसिक लेवल है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये 5 लेवल तक होते हैं इसके। फिर उसका लेसन जो है, लेसन कितने होते हैं इसके अंदर लेसन होते हैं 5। तो जैसे जैसे हम अपना टाइपिंग का वर्क सीखते रहते हैं, तो जैसे बेसिक के अंदर है हमारे पास 9 लेसन। ठीक है, तो 9 लेसन के अंदर हम बेसिक जो है टाइपिंग की वो सीखते हैं। फिर उसके बाद है शिफ्ट कीज़ का मतलब कि जो जैसे कि हमें कोई भी करेक्टर कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो हम शिफ्ट की यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, 9 लेसन होते हैं। ऐसे ही हमारे पास डिजिट्स की हैं, उनके भी लेसन 3 हैं। न्यूमेरिक पैड हैं, उनके भी 2 लेसन हैं। तो ऐसा करके हम कुछ सीख सकते हैं। तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के जो सीखने के जो टेक्निक्स हैं, हमारे पास बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं टच टाइपिंग ट्यूटर की। तो उसमें मैंने आप जैसा कि पहले भी बताया है कि टच टाइपिंग जो है आपकी इम्प्रूव करता है टाइपिंग स्पीड को और उसकी एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी मीन्स आप बिना गलती किए लिख पाएँ अपने टेक्स्ट को या टाइप कर पाएँ। टच टाइपिंग ट्यूटर जो है कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता। और टच टाइपिंग टेक्निक को सीखने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और स्टेज 1 के अंदर हम जो होम रो की होती है, ये होम रो की है ASDFG, जहाँ पर हमारी ये फिंगर जो है प्लेस हुई पड़ी हैं। तो ये जो हमारी रो होती है, ये होती है होम रो की। बेसिकली ये लेफ्ट हैंड के A से स्टार्ट होकर राइट हैंड के सेमी कोलन, ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली है यहाँ तक जाते हैं। इस तरह से इसको फिंगर्स को प्लेस किया जाता है। ठीक है, और स्टेज 2 के अंदर हम क्या करते हैं, इस स्टेज के अंदर हम जो आम तौर पर वर्ड जो हैं यूज़ होते हैं उनको टाइप करना स्टार्ट करते हैं, मतलब बिना देखे उन वर्ड को टाइप करना सीखते हैं। फिर उसके बाद स्टेज 3 के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम बहुत बार बिना देखे वर्ड टाइप करते हैं तो फिर उसके बाद हम एक्चुअल टेक्स्ट को टाइप करते हैं। एक्चुअल टेक्स्ट को टाइप करके हम क्या करते हैं, हम जो स्किल होती है उस स्किल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ होता है टच टाइपिंग के अंदर। लेकिन टच टाइपिंग के अंदर जो हमारी ये होम रो की होती है, जिसके अंदर जो G और H हैं, F और J हैं, F और J जो हमारी की होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गाइडेड की बोलते हैं। ठीक है, और जो टच टाइपिंग जो है बच्चों और युवाओं को बिना गलती किए बिना कीबोर्ड की तरफ देखे जल्दी जल्दी टाइपिंग करने सीखने का एक माध्यम है। तो इसमें कुछ हमारे पास बैठने के जो हमारा जो सिटिंग पोस्चर है और जो हमारे हाथों का पोजीशन है उसके बारे में कुछ आ गया है। जैसे कि जब भी हम टाइपिंग करने के लिए बैठें तो हमारी जो कमर है बिल्कुल सीधी हो और चेयर के साथ
लगी हुई हो ताकि हमें हमारी कमर पे कम से कम प्रेशर डले। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि अपनी एल्बो है, कोहनी जो है उसको 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस करना चाहिए और अपने जो फेस है उसको की मॉनिटर की तरफ थोड़ा सा झुका कर रखना चाहिए, और जो आपका फेस और मॉनिटर के बीच की दूरी है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो धरती से कम 68 से 73 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टच टाइपिंग करते समय आपके हाथों का और बैठने का जो है वो कुछ तरीका है। और फिर इसके बाद हमें ये कहा जाता है कि एडवाइस क्या है सक्सेसफुल टाइपिंग की। तो सक्सेसफुल टाइपिंग के लिए हमें क्या करना है कि कीबोर्ड की कीज़ को बार बार नहीं देखना है, और दूसरा कीबोर्ड की कीज़ को जोर जोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से दबाना है। किसी भी स्टेज स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री जितनी भी हैं उन तीनों स्टेज को सीखने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे ही सीखना चाहिए। फिर उसके बाद कीबोर्ड में जो कीज़ हैं उन्हीं कीज़ को उन्हीं उंगली से दबाना चाहिए जिसके लिए वो आरक्षित हैं। जैसे कि एफ़ के लिए हमारी ये फर्स्ट फिंगर है, और डी के लिए हमारी जो है ये मिडल फिंगर है, फिर उसके बाद ये एस जो है वो रिंग फिंगर के लिए है, और ए जो है हमारा लिटिल फिंगर के लिए है। तो ये आरक्षित हैं, ऐसे ही ये एफ से जाएगा टी पर, एफ से ही जाएगा आर पर, डी से जाएगा ई पर, एस वाली जो ये है हमारी रिंगर फिंग ये डब्ल्यू पर जाएगी, और ये जो हमारी लिटिल फिंगर है ये क्या ऊपर जाएगी, और इसी तरह एफ जो है हमारा ये जो फर्स्ट फिंगर है वी पर जाएगी, और फर्स्ट ये जो बी है इसके ऊपर भी हमारी फर्स्ट फिंगर जाएगी, और जो ये है अपनी मिडल फिंगर इससे सी प्रेस होगा, और एस से हमारा क्या होगा के होगा, और ये लिटिल फिंगर से हमारा जेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अपनी उंगली आरक्षित है सिर्फ वही बटन उससे दबाने चाहिए। अपर और लोअर केस दबाने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करना चाहिए। मान लिया मैं लेफ्ट हैंड से एफ कैपिटल लिख रहा हूँ तो जो मेरा राइट हैंड है उससे मैं शिफ्ट की अपने जो कीबोर्ड है उससे मैं प्रेस करूँगा। तो ये कुछ एडवाइस हैं हमारी क्या है टच टाइपिंग की। और फिर उसके बाद हमारी आती है बेस पोजीशन फॉर न्यूमेरिक पैड। ये बेस पोजीशन फॉर न्यूमेरिक पैड पर क्या है, नंबर जो 5 है वो हमारी मिडल फिंगर से होगी, नंबर 4 की जो है वो हमारी इंडेक्स फिंगर से, फर्स्ट फिंगर को हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, नंबर 6 की जो है वो हमारी रिंग फिंगर से होगी, रिंग फिंगर से हम 6 को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जब हम टाइपिंग करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा जिसमें ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर होगा। तो ग्रीन कलर यानी हरे अक्षरों या शब्दों का मतलब होगा बिल्कुल आपने ठीक इनपुट किया है, राइट इनपुट्स किए हैं। जो येलो कलर के जब भी आपको इंडिकेट करता है तो उससे पता लगेगा कि आपने जो भी इनपुट किया है वो ठीक किया है, लेकिन उसको दबाने में आपने की को दबाने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। ऐसे ही रेड कलर की है, रेड कलर का मतलब है कि आपने ठीक नहीं इनपुट किया है, आपकी जो कीज़ हैं वो इनपुट नहीं हुई है ठीक, तो वो जो है रेड कलर दिखाती हैं। और जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर का मतलब क्या है कि आपने एक तो गलत की दबाई है और उसको दबाने में जितना टाइम लगना चाहिए था वो टाइम भी ज़्यादा लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कलर कोड की इंडिकेशन होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, और इस प्रकार हम टच टाइपिंग ट्यूटर यानी रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो इसका एक सॉफ्टवेयर है उसको सीखने में आपको मदद मिलेगी। तो आप लोग यहाँ तक करें और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। अभी यहाँ तक आप ध्यान से इसके इंटरफेस की तरफ ध्यान दें और इन सब चीज़ों को पढ़ें।